दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो कि थिएटर में 50 दिन तक चली है, और ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारी अब तक 22 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें। आपको काफी मजा आएगा और काफी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी भी जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो इस लिस्ट की जो सबसे पहली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है आतंकवादी, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शुभी शर्मा। फिल्म में विलन का रोल निभाया था अवधेश मिश्रा ने। फिल्म काफी शानदार थी। ये फिल्म श्रेयस फिल्म्स के बैनर तले बनी थी, जिसे प्रोड्यूस किया था प्रेम राय ने और डायरेक्ट किया था MI राज ने। फिल्म एक्शन रोमांस ड्रामा से भरपूर थी, जिसे रिलीज किया गया था 2017 में होली के मौके पर, और इस फिल्म के गाने सुपर हिट थे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और इस फिल्म ने थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे। इस लिस्ट की जो दूसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है सरकार राज, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे पावर स्टार पवन सिंह और मोना लिसा। इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी रानी चटर्जी, अक्षरा सिंह और काजल राघवानी। फिल्म को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, और ये फिल्म भी रिलीज हुई थी 2017 में। फिल्म को डायरेक्ट किया था अरविंद चौबे ने। फिल्म एक्शन से भरपूर थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी, साथ ही साथ थिएटर में 50 दिन तक चलने में कामयाब रही थी। इस लिस्ट की जो तीसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है वर्दी वाला गुंडा, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और अंजना सिंह। फिल्म काफी शानदार थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अहमद फिरोक सिद्दोकी जी ने, जो कि इससे पहले काफी सारी बॉलीवुड फिल्म को डायरेक्ट कर चुके थे। इस फिल्म को बॉलीवुड फिल्म की तरह बनाया गया था। इस फिल्म के डायलॉग और गाने हिंदी में रखे गए थे, और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2013 में, और इस फिल्म ने 2013 में बम्पर ओपनिंग लिया था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2013 की एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी, और इस फिल्म ने भी थिएटर्स में 50 दिन कंप्लीट किए थे। इस लिस्ट की जो चौथी फिल्म है, उस फिल्म का नाम दंगल, और दंगल इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1977 में। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे सुजीत कुमार और प्रेरणा नारायण। ये काफी शानदार और पारिवारिक फिल्म थी, और इस फिल्म के गाने ने उस समय तहलका मचाकर रख दिया था। इस फिल्म का एक गाना काशी हिले पटना हिले, ये गाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जो कि भोजपुरी का सदाबहार सॉन्ग में गिना जाता है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, हमेशा ही बॉलीवुड गाने का रीमेक भोजपुरी में बनाया जाता है, लेकिन इस फिल्म के गाने का रीमेक बॉलीवुड में बनाया गया था, और इस फिल्म ने भी थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे, और कुछ थिएटर तो ऐसे थे जहां ये फिल्म 100 दिन और 150 दिन तक भी चली थी। इस लिस्ट की जो पांचवी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है कन्यादान, और कन्यादान इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और कुणाल सिंह जैसे दिग्गज कलाकार। कन्यादान ये काफी शानदार और पारिवारिक फिल्म थी। दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, और इस फिल्म को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और थिएटर में 50 दिन तक चलने में कामयाब रही थी। तो दोस्तों, ये थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की 5 ऐसी फिल्में जिसने थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।